हाय दोस्तों, रेकवार इलेक्ट्रॉनिक में मैं एक बार फिर भीम सिंह रेकवार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज दोस्तों एक छोटा सा फ़ैन है, इसको ठीक करेंगे। दोस्तों चालू था, इसकी चार्जिंग प्रॉब्लम था जो मैंने ठीक किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सही तरह से चार्जिंग नहीं हो रहा है। तो चार्जिंग पे भी देखेंगे, लोड देख के कि चार्जिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसमें एक दिक्कत ये हो रहा है कि ये फ़ैन ऑन करते हैं, देखिए आप ये चालू हुआ, ये फ़ैन ऑन हुआ, चल रहा है, लेकिन यहाँ कंट्रोल से यहाँ इसको दिया हुआ, ये बढ़ाएंगे तो स्पीड नहीं आ रही। देखिए बंद हो गया, ये देखिए फुल कर दिया तो देखिए पूरा बंद हो गया, या तो इसका ये कंट्रोल ख़राब है। इसको देखेंगे और देखिए फिर बंद करके फिर चालू करता हूँ। अब ये देखिए ऑन हुआ, या तो ये कंट्रोल ख़राब है इसका, तो उसका कंट्रोल देखेंगे और चेंज करेंगे। दोस्तों आपको दिखाता हूँ, दोस्तों चलिए इसको ओपन करेंगे। बहुत बारीक बारीक इसमें स्क्रू हैं और चार्जिंग दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है ये भी आपको मैं दिखाता हूँ एक मिनट। तो चलिए दोस्तों उसको चार्जिंग लगाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सप्लाई दी, तो आप देखेंगे यहाँ पे इंडिकेटर आ रहा है। देखिए अभी फ़ैन का बटन चालू है तो फ़ैन भी ऑन तरीके से नहीं चल रहा है, इस पर देखिए घूम रहा है। तो पहले तो मैं फ़ैन बंद करता हूँ, ये देखिए फ़ैन मैंने बंद कर दिया। आप देखिए इंडिकेटर भी ग्लो कर रहा है, तो मेरे को लग रहा है इसमें चार्जिंग तो बन रहा है, क्यों चार्जिंग रिपेयर कर दिया था, लेकिन लोड दे के देखते हैं और इसको खोलेंगे देखेंगे क्या कंट्रोल ख़राब है, तो कंट्रोल बदलेंगे। कंट्रोल देखिए चाइना मॉडल का फ़ैन है ये, मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लीजिए। और इसमें नाम भी देख लीजिए, ये लिखा आ रहा है इसमें, और क्या है चाइना फ़ैन है, डीसी उस पर चलने वाला है। इसमें दो सेल बैटरियाँ भी लगी हैं, तो आपको बैटरियाँ ये मैं एक मिनट चार्जिंग से हटाता हूँ, यहाँ से बैटरियाँ निकाल के दिखाऊँगा, एक मिनट बैटरी निकालता हूँ दोस्तों मैं। तो दोस्तों बैक ओपन कर दिया इसका, और चलिए तो बैटरी खोलता हूँ मैं इसकी, देखिए बैटरी निकालता हूँ, निकल जाएगा हाथ से तो देखता हूँ, नहीं तो हाँ निकल गया, निकल गया, ये वाला भी निकलता हूँ। देखिए बैटरियाँ निकाल ली है मैंने, इसमें आप बैटरियाँ देखेंगे दोस्तों, देखिए इसको आपको मैं नंबर दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए बैटरियाँ 7.4H वोल्ट की है, 7 वोल्ट की एम्पियर इसका, और ये 2 सेल है। इसमें छोटे 2 एम्पियर कम के थे, 2 सेल लगा दिए इसमें, थोड़ा सी ज़्यादा समय चले, लेकिन वही दिक्कत आ रही कि चल नहीं रहा तरीके से ये। तो चलिए दोस्तों इसको ओपन करता हूँ और देखते हैं ओपन करके कि इसकी समस्या क्या बन रही है। चलिए ओपन करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये सीरीज में बैटरी नहीं लगी, पेलर में लगी हुई है, देख लीजिए पेलर कनेक्शन भी दिया हुआ है। और तो चलिए पहले मैं इसको खोलने से पहले यहाँ वोल्टेज नाप के देखता हूँ, ये प्लस पॉइंट है इसका, जहाँ प्लस पे लगा दिया, लगा देता हूँ मैं एक बिट। तो दोस्तों कनेक्शन यहाँ मीटर के कर दिया हूँ मैंने, और यहाँ मैं इसको सप्लाई दे के और वोल्टेज देखते हैं बन रहे कि नहीं बन रहे हैं, क्योंकि तो सप्लाई मैंने रिपेयर कर चुका था इसकी। तो यहाँ देखेंगे वोल्टेज तो आ रहा है इसमें, 4.7 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब चार्जिंग आ रही है इस पर। एक बार लोड और देख के देखते हैं, देखिए कोई बल्ब लगा के देखते हैं, या तो दोस्तों वोल्टेज तो आ ही रहे हैं, क्योंकि 6 वोल्ट 4 वोल्ट का कुछ है नहीं, इंडिकेटर्स का जल ही रहा था, उसी से कनेक्ट है। चलिए मैं खोल के दिखाऊँगा आपको, चलिए इसको खोलता हूँ मैं दोस्तों। दोस्तों ये ओपन कर लिया हूँ मैंने पूरा, देख लीजिए इसको, ये यहाँ से इसका जो रेगुलेशन लगा हुआ है, ये कंट्रोल लगा हुआ है यहाँ पर, ये इंडिकेटर स्विच लगा हुआ है ऑन ऑफ का, और जिसकी पावर सप्लाई है इस पर कनेक्शन है, और इस पर बैटरी कनेक्शन भी है, और इस पर ये चार्जर भी बना हुआ है। तो दोस्तों तो चार्जिंग तो वगैरह इसका बन चुका था, और चार्जिंग आ भी रहा है, मैंने आपको मीटर पर दिखाया भी, और बैटरी चार्ज भी हो रहा था। तो सबसे मेन दिक्कत है इसमें फ़ैन की दिक्कत आ रही है, फ़ैन सही तरीके से नहीं चल रहा, तो इसको फटाफट खोलते हैं, ओपन करते हैं और चेक करते हैं कंट्रोल ख़राब है कि क्या दिक्कत है इसका। चलिए ओके दोस्तों, इसका कंट्रोल तो सही है, चेक किया, लेकिन इसमें फिजिकल जो देखा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन यहाँ देखने पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हीट खा के इसमें 2 ट्रांजिस्टर ये लगे हुए हैं, देख लीजिए इनका नंबर भी शो कर रहा है, देख लीजिए ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिएगा D882, D882, ये 2 ट्रांजिस्टर हैं। इसमें से आप देखेंगे कि ये ऊपर वाला जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है
बिल्कुल सही है, चेक करने में दोनों को चेक करा सही बता रहा है। और ये यहाँ से गर्म हो गए हीट खा के दोस्तों, देखेंगे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको लगी दिख रहा होगा कि यहाँ से पेंट ओपन हो गई है, यहाँ से फूल गई है। और यहाँ से और दिखाना चाहूँगा मैं आपको, तो आप देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से ये ट्रांजिस्टर ओपन पेंट्री छोड़ चुका है। तो चलिए इसको मैं अच्छे से डीसोल्व करते हैं और फिर देखते हैं फैन की स्पीड बढ़ती है नहीं, तो या तो फिर ये दूसरा ही ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा। दोस्तों ये फैन की मोटर मैंने खोल के रिपेयर किया, वो आपको मैंने दिखा नहीं पाया पूरी तरह से, इसको खोला मैंने और इसमें जो कार्बन की दिक्कत आ रही थी वो कार्बन आपस में सही तरीके से बैठ नहीं रहे थे, घिस गए थे, वो आपको मैं दिखा नहीं पाया। मैंने मोटर पैक कर दी, ये मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन अब जो स्थिति बन रही थी वो आपको मैं दिखाता हूँ, पूरा खुला हुआ है। देखिए मैं ये रेगुलेटर है, यहाँ से इसको ऑन करता हूँ, देखिए अब फैन कैसे चल रहा है बिल्कुल देख लीजिए। और यहाँ से मैं और स्पीड बढ़ाता हूँ, देखिए यहाँ रेगुलेटर देखिए, देखिए अब फैन की स्पीड देखिए बिल्कुल सही चल रही है और रुक नहीं रहा है फैन, देख लीजिए बंद हो गया बिल्कुल, नहीं तो ज़रा सा चल रहा था बंद हो जा रहा था और दिक्कत कर रहा था, देखिए दोस्तों इस तरह से। और अभी मैं यहाँ से इसका लाइट भी ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ये बटन है यहाँ से मैं थोड़ा सा दबाता हूँ दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए और सॉरी बटन तो इधर ही सामने था, सॉरी ये निकल गया, ये एसी में है मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये देखिए। तो मैं बटन चालू भी कर रहा था तो देखिए फ़ैन बंद हो, फैन चालू हो रहा था लाइट बंद हो जा रही थी, लेकिन अभी देखिए लोड ले रहा है, ये देख ली चल रहा है और यहाँ से इसको, तो इसमें ये दिक्कत जो थी दोस्तों इसकी जो मोटर थी वो करंट पी रही थी, बंद हो जा रही रुक जा रही थी, उसके कारण ये दोस्तों काम नहीं कर पा रहा था। और प्लस जहाँ मैंने आपको दिखाया था जो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर गड़बड़ हो गए थे, ये ट्रांजिस्टर सही थे चेक निकाल किया, क्योंकि ये मोटर के कारण निकल रहे हो, पिंट हीट खाने के कारण जल गई थी। देखिए फिर मैंने पूरी तरह डीसोल्ड करके इसको रेडी किया तो ये ओके हो गया दोस्तों, उस पर जहाँ जंप लगा दिए पिंट जो जली हुई थी यहाँ पे देखिए बढ़िया तरीके से, तो ओके हो गया। अब मैं इसको कंप्लीट करता हूँ फिर आपको और चला के दिखाऊँगा दोस्तों। दोस्तों देखिए ये मेरा फैन कंप्लीट हो गया दोस्तों, और छोटा मिनी फैन है ये छोटे बच्चों के लिए, इसमें मोटर प्रॉब्लम था मोटर प्रॉब्लम सही करा, और चार्जिंग प्रॉब्लम था वो भी चार्जिंग प्रॉब्लम सही किया, वो आपको मैंने दिखाया चार्जिंग में क्या दिक्कत आ रही थी। और चलिए मैं इसको आपको ऑन करके अब दिखाता हूँ दोस्तों। पहले तो देखिए फैन दिखाया, पहले आपको दिखाया था कितना स्लो चल रहा था फैन, और अब देख लीजिए फैन की स्पीड भी आ रही है बढ़िया, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है। मोटर खोल के मैंने इसको रिपेयर किया बढ़िया चल रहा, उसके बाद आपको देखा था कि लाइट चालू करने पर भी फैन नहीं घूम रहा था और लाइट बंद हो जा रही थी, इसमें मोटर बंद हो जाने के कारण वोल्टेज ड्रॉप कर रही थी जिससे कि ये मोटर नहीं घूम रही थी। अब मैंने लाइट बंद कर दी, देखिए फैन बहुत स्लो घूम रहा था, और इसको मैं चार्जिंग लगा के आपको दिखाता हूँ, देखिए चार्जिंग मैंने लगा दी ठीक, और यहाँ देखिए चार्जिंग भी आ गई और बराबर चार्जिंग कर रहा है, और देख लीजिए। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर दोस्तों कमेंट कीजिएगा।